हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। नाउ आज हम करेंगे ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन। आज के टाइम में हम इंटरनेशनल रिलेशन को एक अलग एकेडमिक डिसिप्लिन मानते हैं। हम ऐसा क्यों मानते हैं, इसकी ग्रोथ कैसी हुई, कैसे इमर्स हुआ ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन, तो इसकी आज हम स्टडी करेंगे। जो इंटरनेशनल रिलेशन है, हम इसको सबसे यंगेस्ट सब्जेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जी सब्जेक्ट है जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा प्रपोंडिंग आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसीलिए हम इसको सबसे नया सब्जेक्ट मानते हैं। जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसकी डिवेलपमेंट की फोर स्टेजेस हैं। फर्स्ट है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज, देन करंट इवेंट स्टेज जो 1914 से 1919 तक थी, फिर दी लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेज 1919 से 39 तक, देन कंटेम्प्रेरी स्टेज 39 से लेकर टिल डेट। तो हमारे पास जो इंटरनेशनल रिलेशन है एज अ डिसिप्लिन, इसको हम चार स्टेजेस में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट स्टेज है हमारी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज। जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज है, इसको हम मानते हैं जे अप टू 1914 तक थी। जो जी हमारी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज है, इसमें हम हिस्ट्री से लेकर 1914 तक के टाइम पीरियड में इंटरनेशनल रिलेशन में जो कुछ भी डिवेलप होता है, इसकी स्टडी हम इस अप्रोच के अंडर, इस स्टेज के अंडर करते हैं। जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखते हैं। उसके अर्थशास्त्र बुक में भी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में डिफाइन किया गया है, तो हम इसको प्री हिस्ट्री में, चाणक्य कूटनीति में भी देखते हैं। सो इसको इसीलिए हम डिप्लोमेटिक कहते हैं। तब क्या था, सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन ही डिवेलप करना हर एक नेशन का अपना ऑब्जेक्टिव होता था। इस टाइम में कोई भी ऑर्गेनाइज स्टडी नहीं की जाती थी इन एनी यूनिवर्सिटी, इवन टू अमेरिका, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में हम ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी ऑर्गेनाइज स्टडी नहीं की गई थी। इसके लिए पॉल एंड रियांस ने 1900 में फर्स्ट टाइम एक लेक्चर दिया था ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। मीन्स क्या हुआ, उन्होंने, रेंसन ने पहली बार एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर एक लेक्चर दिया, लेकिन उस लेक्चर में भी उन्होंने क्या डिस्कस किया, ओनली अ वाइड वैरायटी ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, जो उस टाइम की प्रॉब्लम्स थी उसके रिगार्डिंग डिस्कस की। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट नहीं डिवेलप किया गया। तो जो जो स्टडी थी जो किस पर कंसंट्रेट करती थी, ऑन द स्टडी ऑफ पास्ट हिस्ट्री, लास्ट हिस्ट्री में हमारे साथ क्या हुआ, और पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन अमंग नेशंस। मीन्स जी स्टडी सिर्फ किसके ऊपर कंसंट्रेट करी थी, जो नेशन है, नेशन की पास्ट हिस्ट्री क्या है, एक नेशन ने किसी कंट्री के साथ कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन को डिवेलप किया है। तो जी स्टडी क्या थी, ओनली डिस्क्रिप्टिव नेचर की थी, जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे थे पॉलिटिकल इवेंट्स को। इसमें कोई भी नई डिवेलपमेंट नहीं थी, कोई भी एनालिटिकल नहीं था। इसीलिए हम ये कहते हैं जिस चीज फेल हो जाती है टू रेंडर एनी सिग्निफिकेंट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग एंड थ्योराइजिंग द इंटरनेशनल रिलेशन, इट मीन्स क्या हुआ कि इस चीज में इंटरनेशनल रिलेशन एज अ न्यू डिसिप्लिन नहीं डिवेलप हो पाता। जिस चीज है जे फेल हो जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम कोई थ्योरी डिवेलप कर सके, इंटरनेशनल रिलेशन को हम एकेडमिक डिसिप्लिन बता सके। तो जे फर्स्ट स्टेज में सिर्फ हमने डिस्क्राइब किया पास्ट इवेंट्स में। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज आती है, जिसको हम कहते हैं दी करंट इवेंट स्टेज, जो 1914 से 1919 तक चलती है। जे कौन सा पीरियड था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब पहली बार ऐसा कुछ होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरे की पूरा वर्ल्ड टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो अपने पावर के लिए, सुपरमेसी के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो जिस चीज करंट इवेंट चीज थी, जिसमें हम कहते हैं
हम ये देख रहे थे वॉर क्यों हुई, इसको पीस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि वॉर की डिस्ट्रिक्शन बहुत हाई होती है। वॉर की डिस्ट्रिक्शन से हमको बचने के लिए पीस चाहिए था। इसीलिए इस थ्योरी का, इस चीज का सेंट्रल थीम क्या था, स्टडी ऑफ करंट इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। क्योंकि करंट इवेंट ही बहुत बड़ा था। वो करंट इवेंट क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। इसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना ही इस चीज का मेन थीम बन गया था। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, सिर्फ करंट इवेंट्स एंड प्रॉब्लम की ही डिस्कशन होती है। इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या था, रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, इन सब का रिव्यू किया जाने लगा। मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए हम कुछ आगे बढ़ रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि हमको इन करंट इवेंट्स को, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कैसे खत्म करना है, कैसी पीस जनरेट करनी है। बट जी थ्योरी आल्सो इनकम्प्लीट थी, पार्शल थी, इनएडिकेट थी। क्योंकि जी थ्योरी क्या कर रही थी, सिर्फ प्रेजेंट इवेंट्स को ही कंसंट्रेट कर रही थी। सो इट कंसंट्रेट ओनली प्रेजेंट विदाउट अटेम्प्टिंग टू ट्रेस द हिस्टोरिकल रूट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड इवेंट्स। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, इसका प्रॉब्लम क्या है, जी इवेंट क्यों आया, इसकी हिस्टोरिकल रूट कॉज क्या है, इसको इन्होंने स्टडी नहीं किया। सिर्फ जो आज के टाइम में चल रहा है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। जो कुछ भी आज के टाइम में होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसका कोई पास्ट हिस्टोरिकल रूट होती है। इन्होंने उस हिस्टोरिकल रूट की स्टडी नहीं की, इसलिए हम जो कहते हैं जी थ्योरी भी क्या थी, इनकम्प्लीट थी। इस चीज में भी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई। जैसे हम कहते हैं कि हर एक स्टेट है वो किसके लिए लड़ती है, पावर के लिए लड़ती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए लड़ती है। जब बैलेंस ऑफ पावर होती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बैलेंस ऑफ पावर ब्रेक होती है उसके बाद जाकर वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। इसीलिए जी इसका रूट होता है, लेकिन इन्होंने इस रूट की कोई स्टडी नहीं की। देन थर्ड स्टेज, लीगल इंस्टीट्यूशनल स्टेज, 1919 से 39 तक। जी कौन सा टाइम पीरियड है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है एंड उसके साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने तक की पहले का पीरियड। तो मींस जो वॉर खत्म हो गई एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लीगल इंस्टीट्यूशनल स्टेज और द थर्ड स्टेज, जिसमें हमने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ट्रीटी की, पीस के लिए कुछ एफर्ट्स किए थे, इंस्टीट्यूशनल स्टडी की थी, ताकि आगे जाकर कोई भी वॉर स्टार्ट ना हो। जी थ्योरी आइडियलिस्टिक टाइम पीरियड था, जिसमें आइडियाज की बेस्टिक के ऊपर हमने ऑप्टिमिज्म वे से हमने सोचा आगे वॉर को हम पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए वुड्रो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स होती है, जी चेयर 1918 में होती है। लेकिन इसकी जो सेंट्रल थीम था, सेंट्रल पॉइंट थे, वो क्या थे, जो प्रेसिडेंट विल्सन थे, इन्हें 14 पॉइंट अपनी स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटरनेशनल पीस के लिए हम सबको काम करना चाहिए। तो उनकी चेयर, उनकी व्यू, उनकी स्पीच हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन को डेवलपमेंट के लिए एक बैकग्राउंड बन गई, एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक स्टेज बन गई, जिसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं जो प्रेसिडेंट विल्सन थे, उनकी 14 पॉइंट जो स्पीच थी, इट इज रिगार्डेड एज अ चार्टर रिफॉर्म फॉर रिलेशन अमंग नेशंस, कि एक चार्टर रिफॉर्म था जिससे हम अपने नेशंस हैं अपने कंफ्लिक्ट को खत्म कर कर कोऑपरेशन की तरफ जाना चाहते थे। इसीलिए हम इसको 14 पॉइंट स्पीच कहते हैं, जो एक रिफॉर्म की तरह हमारे सामने आते हैं। जो ये अप्रोच थी एक आइडियलिस्ट अप्रोच थी, जो आइडियलिज्म को ज्यादा डिवेलप करती है। हम आगे जाकर करेंगे आइडियलिस्ट अप्रोच क्या होती है, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइडियलिस्ट अप्रोच 1919 से 39 तक डिवेलप होती है। जो ऑप्टिमिज्म थॉट है, जो विश्वास करती है कि
कि हम जो कहते हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, हम ह्यूमैनिटी को मानते हैं, इस पर हम सबको विश्वास है और हम ऐसा ही करेंगे। इट इज फेथ इन गुडनेस ऑफ ह्यूमन रिलेशन, जो गुडनेस पर बिलीव करती है। लेकिन जो जो ऑप्टिमिज्म है, जो गुडनेस का बिलीव है, जिस सब जाकर 1939 में खत्म हो जाता है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो आइडियलिस्ट अप्रोच है, जो सिर्फ कुछ आइडियाज पे ऊपर बेस्ड होती है, जो ये कहती है ह्यूमन कंडक्ट गुडनेस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन हमें पता है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे प्राइम है। हम जो भी काम करते हैं अपने नेशन के इंटरेस्ट के लिए करते हैं, पावर के लिए करते हैं, सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो जी थ्योरी थी एक आइडल इंटरनेशनल सोसाइटी को डिवेलप करना चाहती थी। इसमें तीन अप्रोचेस थी हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन। ये थ्योरी क्या कहती है, हमको सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना होगा, जिसमें हम रिप्लेस क्या करेंगे, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वार प्रोन सिस्टम है, इसको खत्म करके हम पीस को जनरेट कर रहे हैं। हम अपने अपने नेशन को सुपर पावरफुल बना रहे हैं, हम सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं। देन सेकंड था सिक्योरिंग अ लीगल कंट्रोल ऑफ वॉर। जो मान रहे थे कि जो वॉर है इस पर लीगल कंट्रोल होगा, हम इंटरनेशनल लॉ बनाएंगे और उसके सभी नेशंस हैं उसको फॉलो करेंगे बाय क्रिएटिंग न्यू इंटरनेशनल नॉर्म्स। Then third one is eliminate weapons through global disarmament and arm control. वो कहते थे जो जो वर्ल्ड वॉर हुई है इसमें हमने आर्मी अपने वेपन को बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन कर लिया है, इसको हमको कंट्रोल करना होगा, ग्लोबल डिसआर्मामेंट की तरफ जाना होगा। तो इन्होंने ये थ्री अप्रोचेस दी थी, जिस वजह से हम ये कहते थे हम वॉर को कंट्रोल कर कंफ्लिक्ट को खत्म करके कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन जिस चीज भी क्या होती है इनकम्प्लीट है, आइडियाज के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इनके आइडियाज कब ब्रेक हो जाते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये थ्योरी ये आइडिया भी हेल्पलेस हो जाते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड स्टेज। उसके बाद आते हैं हमारी फोर्थ स्टेज, कंटेम्प्रेरी स्टेज, जिसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।